सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा ना मिस कर पाए। तो भाई यार यदि आप एक यूट्यूबर होंगे ना तो आपके मन में जरूर एक क्वेश्चन होगा कि भाई यार क्यों हमारे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। अगर शो नहीं हो रहा है तो कैसे इनेबल करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में हम जानते हैं कि कम्युनिटी टैब का ऑप्शन कैसे इनेबल करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, तभी इनेबल करना जान पाएंगे जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। यदि लास्ट तक नहीं देखेंगे, स्किप करके देखेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और फिर आप यही बोलेंगे, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो यार खैर छोड़िए, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भाई यार चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कम्युनिटी टैब का ऑप्शन जो है आपके चैनल पर कब और कैसे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपके YouTube चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब जाकर कम्युनिटी टैब का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बातें हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब आप 1 के सब्सक्राइबर पूरा कर लेंगे तो तुरंत कम्युनिटी टैब का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा आपके चैनल पर। आपको वेट करना पड़ेगा एक हफ्ते का, यानी कि 1 वीक से 10 डेज तक वेट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपके यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और वैसे में आप सोच रहे हैं कि यदि हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट हो जाते हैं तो तुरंत 10-5 मिनट के बाद में हमारे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल पर यदि 1 के सब्सक्राइबर हो जाए तो एक हफ्ते आप वेट करिएगा, उसके बाद में आपको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहां पर एक बात और होता है कि भाई यदि हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाते हैं और हम अब एक हफ्ते से 10 दिन तक वेट भी कर लेते हैं, तब पर भी हमारे YouTube चैनल पर कम्युनिटी टैब का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको YouTube को मेल करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, चलिए आपको मैं मोबाइल स्क्रीन पर चल के आपको बताता हूं। तो भाई चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए YouTube को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ अपना चैनल ओपन कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करके अपना यूर चैनल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जिस चैनल पर आप ये कम्युनिटी टैब का ऑप्शन चाहते हैं उसी चैनल को आप ओपन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मुझे यहाँ कम्युनिटी टैब का ऑप्शन शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, तो ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कम्युनिटी टैब का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो यार आपको उसी चैनल पर सेंड एंड फीडबैक करना है, मेल करना है, जिस चैनल पर आप कम्युनिटी टैब का ऑप्शन चाहते हैं और 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हेल्प एंड फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हेल्प एंड फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लोडिंग लेगा, फिर उसके बाद में यहाँ सेंड फीडबैक का ऑप्शन देख रहे हैं, इस सेंड फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो चलिए सेंड फीडबैक के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही लिखिएगा। तो चलिए मैं पहले से ही लिखा हूँ तो उसे मैंने कॉपी करके रखा है, अब यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में मैं आपको बता दूं क्या लिखा हूं। तो डियर यूट्यूब टीम, माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट 1K सब्सक्राइबर्स बट कम्युनिटी टैब इज नॉट इनेबल्ड, प्लीज एनेबल कम्युनिटी टैब फीचर टू फॉर माय यूट्यूब चैनल क्विक एज सून एज पॉसिबल @TeamYouTube @YTCreatorStudios। और यहां पर चैनल लिंक का ऑप्शन करके, जहां चैनल लिंक का ऑप्शन है, जहां पर आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहां पर देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में यहां पर थैंक्स एंड रिगार्ड्स के ऑप्शन देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको अपने यूट्यूब चैनल का नेम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिर से कि 1K सब्सक्राइबर जब आपके YouTube चैनल पर कंप्लीट हो तभी ये ऑप्शन, मतलब कि ये आप मेल फीडबैक करिएगा। तो यार लिखने के बाद में यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं यहाँ सेंड का ऑप्शन है, इस सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर ये आपका थैंक यू फॉर फीडबैक का ऑप्शन आएगा, फिर ये सेंड हो जाएगा। अब इसके बाद में अब हमें एक हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा, तब उसके बाद में जाकर हमारे YouTube चैनल पर कम्युनिटी टैब का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। लेकिन रुको, यहाँ पर आपके मन में एक जरूर क्वेश्चन होगा कि भाई यार यदि हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं, क्या हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तब जाके कम्युनिटी टैब का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बात नहीं है, आपके चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं ऑन है तब पर भी आपको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन देखने को मिलेगा, केवल आपको 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।